Hey everyone, welcome to the channel, Manmay Singh. इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, किस तरीके से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे और किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने देखा. आज हम लोग जस्ट उसके आगे का चीज़ देखेंगे जो कि है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. आपने एकदम सही सुना, डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कैलकुलस में आके बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ निकल के आता है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके डोमेन और रेंज से रिलेटेड. फंक्शन में भी इस चीज़ की चर्चा है, जो कि हम लोग फंक्शन आएंगे तो उसमें भी देखेंगे क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज. अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे रिलेशन में व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज. और ठीक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन, जो कि रिलेशन का लास्ट टॉपिक होगा. ठीक है, तो आज लगभग जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आज ख़त्म हो जाएगा रिलेशन से रिलेटेड. और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके चुनिंदा प्रॉब्लम्स, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि सर ये से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा डील करूँगा. या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, मे बी चांसेस है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जितना छोटा रहे ताकि आप लोग इजीली आराम से देख सकें. अपने फ्री टाइम वीडियोज़ को देख लिए तो समझ में आ गया. तो यही सब चीज़ें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नए व्यूअर्स जितने भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं, ताकि मैं जो भी रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँचते रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो कि है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन के ऊपर और उसके साथ साथ इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इस बात को समझते क्या हैं, रिकॉल करते हैं कि रिलेशन क्या हुआ था. ठीक है, तो रिलेशन जो मेरा था वो कोई सेट ए था और सेट ए टू बी मेरा रिलेशन डिफाइंड था. तो जो मेरा रिलेशन था वो क्या था? ए क्रॉस बी का सबसेट था. ठीक है, तो जब भी हम आर को अगर लिखेंगे तो चलिए इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. तो R is the set of all AB such that A belongs to A and B belongs to B. ये होता था मेरा रिलेशन, जहाँ पर A और B with some specific associated rule से कनेक्टेड रहते थे, या फिर आपका सिंपल वो उसका एक सबसेट होता था. लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियरली समझाया है. तो खैर, यहाँ पर देख लीजिए क्या है. जो मेरा ए बी है वो ए बी में क्या होगा? जो ए होगा वो पहले वाले सेट से होगा और जो बी होगा वो दूसरे वाले सेट से होगा. ठीक है, जिस सेट की ओर जा रहा है तो फर्स्ट और फिर सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड जा रहा है तो फर्स्ट का एलिमेंट और फिर सेकंड का एलिमेंट. चलिए, तो ए बी हमको मिल गया. ठीक है, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गया. तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? तो जो डोमेन होगा वो होगा द सेट ऑफ ऑल ए सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर. जो आर में आपका ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उस ए बी का जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो आपका होगा डोमेन. और इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ आर का, द सेट ऑफ ऑल बी सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन में जो आपका ए बी बिलोंग कर रहा है उसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो क्या बताएगा आपको रेंज के बारे में. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं. मान लेते हैं कि ए में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4. ठीक है, बी में जो एलिमेंट है वो हैं ए बी सी एक्स एंड वाई. ठीक है, और जो रिलेशन हो रहा है मेरा, वो रिलेशन क्या हो रहा है? वो रिलेशन 1A 4X 2B. ठीक है, ये मेरा रिलेशन है. तो इस रिलेशन का डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? तो इस रिलेशन में जो भी आपको पहले नंबर पे जो एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला पार्ट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला पार्ट, तो क्या है वो? 1, 2 एंड 4. ये क्या हो गया? आपका डोमेन हो गया. और अगर हम रेंज का बात करें तो रेंज क्या होगा? हर एक का दूसरा वाला पार्ट, जो कि है मेरा ए एक्स बी, है ना, ये इसमें है और ये वाला इसमें है. तो देखिए, डोमेन का जो पहला एलिमेंट वो सारा देखिए सेट ए में है, और रेंज जो है, रेंज का सारा पार्ट क्या है? सेकेंड वाले सेट में, सेट बी में. राइट, सेट डोमेन एंड रेंज में बहुत ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है. सिंपल इतना ध्यान में रखोगे कि डोमेन जो होता है वो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पार्ट होता है. ठीक है, उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन. और जो सेकंड एलिमेंट का सेट जो मिलेगा वो मेरा होगा रेंज का सेट. दैट्स इट, दैट वेरी इजी इज डोमेन एंड रेंज. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है.
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ओके, तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है उसका हम देख लें। बेसिक स्टेटमेंट के स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। पहले मान लिया कोई दो सेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है, और आर माना एक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि जो आर मेरा रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी डिफाइंड है, ठीक है। आर के बारे में कहा इतना। देन क्या बोल रहा है? द इनवर्स ऑफ आर, आर का जो इनवर्स होगा जिसको आर पे पावर माइनस वन लिखते हैं, ठीक है। ये आर पे पावर माइनस वन आपको दिख रहा होगा, बट इसको आर पे पावर माइनस वन कभी उसको लिटरल मीनिंग मत ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर माइनस वन होता है तो उसका वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनवर्स का वन बाय आर नहीं लिखते, वो रॉन्ग होगा, कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। ये एक बेसिकली एक टर्म है जो इंडिकेट करता है इनवर्स ऑफ आर, इट डज नॉट मीन वन बाय आर। ये एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है। तो ये जो आर इनवर्स है इसके बारे में क्या बोल रहा है, किसको हम लोग आर इनवर्स से माने? ये एक रिलेशन है जो कि कहां से होगा, बी टू ए। ये एक ऐसा रिलेशन होगा जो बी से ए डिफाइंड है। याद रखिए, आर अगर ए टू बी डिफाइंड है तो जो मेरा आर इनवर्स होगा वो डिफाइंड होगा बी टू ए। इस चीज को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए। इस चीज को लिखने के लिए क्या करेंगे, आर इनवर्स द सेट ऑफ ऑल बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए, ए बी अगर आर में है तो आर इनवर्स में क्या मिला हमको, बी ए मिला। इससे हमको ये भी पता चलता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इट इम्प्लाइज जो मेरा बी ए होगा वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स में। सो दैट्स इट, यही था मेरा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। आज की टॉपिक छोटी थी मुझे पता है, इसको एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं किस तरीके से होता है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। आइए एक नज़र देख लें इसके एग्जाम्पल पे। तो इसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें जो इसके पहले लिए थे हम लोग। ए में ले लेते हैं वही 1 2 3 4, ठीक है, और बी में ले लेते हैं जो पहले वही लिए थे एक्स वाई जेड ए बी, वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और, चलिए ठीक है, इतना ले लिए। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोई एक रिलेशन बना देते हैं आर, जो सपोज करते हैं 1a 1b, ठीक है, 2x और मेरा 2z, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर R इनवर्स क्या होगा, क्योंकि इनवर्स देख रहे हैं, सीधे उलट दीजिए सबको, 1a है ये, a टू b है तो ये b टू a होगा, तो b का एलिमेंट पहले लिखेंगे तो b, ये सब b का एलिमेंट है, सेट b का एलिमेंट है, इसलिए ये हो जाएगा a1, ठीक है, b1 x2 z2, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ R का, तो अगर हम डोमेन R का बात कर रहे हैं तो डोमेन ऑफ R क्या होगा, 1 और 2। और ध्यान से देखिए तो R इनवर्स का जो रेंज होगा उसके तरफ, तो रेंज क्या होगा, सेकेंड वाले में, सेकेंड में 1 है और 2 है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो देखिए 1 और 2 क्या हो रहा है, R इनवर्स का रेंज हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ R इनवर्स, सॉरी रेंज ऑफ R इनवर्स। और अगर हम लोग बात करें डोमेन, किसका डोमेन, तो डोमेन ऑफ R इनवर्स, तो R इनवर्स का डोमेन क्या होगा, A B X Z, देखिए हो गया A B X एंड Z। और जो R इनवर्स का जो डोमेन आया वो क्या हो गया मेरा, रेंज ऑफ R, तो ये चीज क्या हो जाएगा मेरा, रेंज ऑफ R। देख रहे हैं R का जो भी रेंज आ रहा है वो क्या है, R इनवर्स का डोमेन है। तो यही है मेरा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन और डोमेन एंड रेंज का किस्सा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात हम लोग करेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में और इनवर्स ऑफ ए रिलेशन के बारे में। याद रखिए जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ठीक है। जो भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स होंगे कुछ, अब वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं उस वीडियो को छोटा रखूं। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन भी क्लिक करें, सो डैट कि उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके स्क्रीन पे हम नोटिफिकेशन पैनल पे आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।